नमस्कार, मैं प्रिया। धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। मार्च के बाद भारत में कोरोना महामारी खत्म हो सकती है। संक्रमण से जुड़े आंकड़े इसके साफ संकेत दे रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों का मानना है कि तीसरी लहर मार्च में पूरी तरह समाप्त हो जाएगी और चौथी लहर के आने की आशंका बहुत कम है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से 10वीं और 12वीं कक्षाओं के दूसरे टर्म की बोर्ड परीक्षा की तारीख घोषित होने के बाद छात्रों की निगाहें अब जेईई मेन्स, नीट और सीयू सेट जैसी परीक्षाओं की तारीख पर टिकी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने विनीत जोशी को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। मंत्रालय ने उन्हें केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का नया चेयरमैन बनाया है। मंत्रालय ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है। विनीत जोशी वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के पद पर कार्यरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा नेता और पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की 70वीं जयंती पर उन्हें याद करते हुए उनका एक किस्सा सोशल मीडिया पर शेयर किया। पीएम मोदी ने लिखा कि अभी मैं जालंधर में रैली करके लौटा हूं। आज सुषमा जी की जन्म जयंती है। मुझे उनसे जुड़ा एक बहुत पुराना वाक्य अचानक से याद आया तो सोचा आपसे शेयर करूं। तमिलनाडु में सत्तारूढ़ डीएमके पार्टी को भाजपा और केंद्र सरकार के मुखबर विरोधियों में गिना जाता है। वहीं इन दिनों तमिलनाडु की एमके स्टालिन के नेतृत्व वाली सरकार और केंद्र के बीच नीट को लेकर भी तनातनी चल रही है। इस बीच एक ऐसी खबर आई है जिसने दिल्ली से चेन्नई तक सियासी गलियारे में हलचल पैदा कर दी है। दरअसल एक फोन कॉल को लेकर चर्चा है जो बीते महीने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की तरफ से डीएमके सांसद एमके एन मोंझी को की गई थी। डीएमके सांसद एम कनीमोझी को की गई थी। चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में फैसला आ गया है। विशेष सीबीआई कोर्ट ने लालू प्रसाद को मामले में दोषी करार करते हुए इस मामले में फैसला सुना दिया है। इस मामले में सीबीआई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाला मामले के सबसे बड़े और पांचवें मामले में दोषी करार किया है। इससे पहले लालू प्रसाद यादव चार मामले में भी दोषी करार किए गए थे। लालू प्रसाद को दोषी करार किए जाने के बाद राजनेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने बड़ी बात कही है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने देश में जारी विरोध प्रदर्शन के बीच आपातकाल का ऐलान कर दिया है। कनाडा की सरकार ने पिछले 50 साल में पहली बार आपातकाल की घोषणा की है। अमेरिका कनाडा सीमा पर बना सबसे व्यस्त पुल भी खोल दिया गया है। इससे दोनों देश के बीच 25% व्यापार होता है। भारत के केंद्रीय औषधि प्राधिकरण की विशेषज्ञ समिति ने सोमवार को 12 से 18 साल के बच्चों के लिए कुछ शर्तों के साथ बायोलॉजिकल ई के कोविड-19 टीके कोर्बोवैक्स का आपात इस्तेमाल करने की मंजूरी देने की अनुशंसा की है। केंद्र सरकार की तरफ से पेंशन नियमों में बदलाव किए जाने के बदले अब हिमाचल प्रदेश सरकार 1 फरवरी से बढ़कर पेंशन देने का फैसला किया गया है। राज्य सरकार की तरफ से सोमवार को सूबे के 1.73 लाख पेंशन भोगियों पर नया नियम लागू होगा। राज्य सरकार के प्रवक्ता की तरफ से इस बारे में जानकारी दी गई है। सीएम जयराम ठाकुर के नेतृत्व में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला किया गया है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के एक असिस्टेंट प्रोफेसर का विवादित कैलेंडर सामने आया है। उन्होंने भगवान राम की जगह खुद की और सीता की जगह अपनी पत्नी की तस्वीर प्रदर्शनी में लगाई है। इसको लेकर यूनिवर्सिटी के छात्रों ने आपत्ति जताते हुए शिकायत दर्ज करवाई। दरअसल यूनिवर्सिटी के विजुअल आर्ट विभाग में 5 फरवरी से एक प्रदर्शनी की शुरुआत हुई है। ये कला संबंधी प्रदर्शनी 1 महीने तक के लिए प्रदर्शित की जा रही है। कांग्रेस को एक के बाद एक बड़े झटके लग रहे हैं। अब पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कानून मंत्री अश्विनी कुमार ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को भेजा है। इसमें अश्विनी कुमार ने लिखा है कि वो पार्टी से बाहर रहकर राष्ट्रीय मुद्दों पर बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने पार्टी को धन्यवाद भी कहा। उत्तर प्रदेश में सोमवार को 9 जिलों की 55 सीटों पर वोटिंग हुई और सुबह से अधिकतर बूथों पर वोटर्स की लंबी कतार देखने को मिली और शांतिपूर्ण मतदान रहा। इस बीच समाजवादी पार्टी ने कई जगह पर पुलिस और प्रशासन पर वोटर्स को सरकार के पक्ष में दबाव बनाने का आरोप भी लगाया। बिहार के व्यस्त रेलवे पड़ावों में से एक बरौनी स्टेशन पर सोमवार को एक महिला का बैग देखकर पुलिस वाले हैरान रह गए। महिला को तत्काल आगे की यात्रा करने से रोक दिया गया और इसकी सूचना वरीय अधिकारियों को दी गई। केंद्रीय एजेंसियों को भी मामले की जानकारी दी गई। बताया जा रहा है कि यह महिला असम से आने वाली ट्रेन में यात्रा कर रही थी। पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा की कंपनी में स्टेट वैल्यू घटकर $1 अरब से नीचे आ गई है। लिस्टिंग के बाद से ही पेटीएम के शेयरों में गिरावट जारी है जिसकी वजह से विजय शेखर के स्टेक की वैल्यू गिर गई है। पेटीएम की पेमेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशंस है। 15 फरवरी को BSE पर इसके शेयर 2.77% गिरकर 840.05 रुपए के रिकॉर्ड लो लेवल पर आ गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले गुरुवार को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक रैली को संबोधित करने पहुंचे थे। पीएम मोदी की रैली में आई भीड़ को लेकर दावा किया गया है कि उन्हें प्राइवेट बस में बिठा करके लाया गया था, जिसके में बस संचालकों ने वादा किया था कि डीजल का खर्चा उन्हें दिया जाएगा। बस मालिकों का कहना है कि सभी अपने वादे से मुकर गए हैं।
यूक्रेन रूस के बीच युद्ध के खौफ के बीच इस कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन मंगलवार को शेयर बाजार हरे निशान पर खुला। शेयर बाजार में पिछले कई दिनों से जारी गिरावट के बाद आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 296 अंक की बढ़त के साथ 56,701 के स्तर पर खुला, जबकि निफ्टी 85 अंक की तेजी के साथ 16,928 के स्तर पर कारोबार शुरू करते देखा गया। गैर भाजपा दलों का राष्ट्रीय स्तर पर नेता कौन होगा, किसके नेतृत्व में विपक्षी दल भाजपा के विरोध में राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन बनाएंगे, ये बहस पुरानी है, लेकिन कई विपक्षी पार्टियां इस बात से सहमत नहीं दिखती है कि विपक्षी एकता का श्रेय कांग्रेस उसका नेता राहुल गांधी हो। शेयर बाजार में आई गिरावट की वजह से लाखों निवेशकों की दौलत में सेंध लग गई है। निवेशकों के अलावा एशिया के दूसरे नंबर के अरबपति अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी को दुनिया भर के अरबपतियों सबसे ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा है। यूक्रेन पर रूस के हमले की पश्चिमी देशों की आशंका के बावजूद ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो सोमवार शाम को मॉस्को के लिए रवाना हो गए। बोल्सोनारो का यह कदम अमेरिकी सरकार और उसकी कैबिनेट मंत्री समेत उन लोगों के लिए हताशा भरा है जिन्होंने उन्हें रूस की यात्रा रद्द करने का सुझाव दिया था। भारत दौरे पर आए केन्या के पूर्व प्रधानमंत्री रेला अमोलो ओडिंगा ने देश के पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान केन्या के पूर्व पीएम ने स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है। केन्या में भारत के उच्चायुक्त डॉक्टर वीरेंद्र पार्ले इसकी जानकारी दी। भारत में ओडिंगा की निजी यात्रा और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में भारत केन्या सहयोग के संदर्भ में आयुर्वेद पर KTN न्यूज पर एक प्रश्न पर टिप्पणी करते हुए पार्ले कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी और रैला लंबे समय से दोस्त हैं। अक्षय कुमार की बच्चन पांडे का नया पोस्टर लॉन्च हुआ है। इस दिन ट्रेलर आने की उम्मीद है। पिछले कुछ सालों में अक्षय कुमार की मूवी लुक ट्रेंड स्थापित करते आए हैं और अब उस सूची में साजिद नाडियावाल की इस साल की बड़ी रिलीज बच्चन पांडे का नाम भी लुक में शामिल हो गया, जिसमें कीर्ति सैनन, जैकलिन फर्नांडिस और अर्शद वारसी भी नजर आएंगे। ये फिल्म 18 मार्च को थिएटर स्क्रीन पर दस्तक देने के लिए तैयार है। ऐसे में निर्माताओं ने आज एक्शन कॉमेडी में अक्षय के नए लुक को रिलीज कर दिया है। रूस और यूक्रेन के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। दूतावास ने यूक्रेन में रह रहे भारतीय खासकर छात्रों से कहा है कि वो अस्थायी रूप से देश छोड़ दे। यूक्रेन में फिलहाल करीब 20,000 से अधिक भारतीय हैं। एक तरफ भाजपा के नेता मोदी सरकार की उपलब्धियों को बढ़ा चढ़ा कर गिना रहे, वहीं भाजपा के सांसद राजीव प्रताप रूडी सरकार की नाकामियां उजागर कर रहे हैं। मंडल संसदीय समिति की बैठक में छपरा के सांसद राजीव प्रताप रूडी ने रेलवे कस्टमर केयर का हाल सबके सामने उजागर कर दिया। उन्होंने सबके सामने ही रेलवे कस्टमर केयर नंबर पर कॉल लगाया, लेकिन कॉल ना तो लगा और ना ही उधर से कोई कॉल आया। इस बैठक में रेलवे के कई वरीय अधिकारी भी शामिल थे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने चीनी सैन्य उपकरणों के युद्ध परीक्षण का आदेश जारी किया है। चीनी सेना ने वास्तविक युद्ध की स्थितियां में अपने सैन्य उपकरण प्रणाली के आकलन को लेकर राष्ट्रपति शी जिनपिंग के आदेश पर अमल करते हुए जंग से संबंधित परीक्षण शुरू कर दिया। आधिकारिक मीडिया ने सोमवार को यह खबर दी है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने सहायक भर्ती 2022 के पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। पदों की संख्या 950 के लिए आवेदन प्रक्रिया 17 फरवरी से शुरू हो रही है। वो उम्मीदवार जो सहायक पद के लिए रुचि रखते हैं वो सभी पात्रता मानदंड को पूरा करते हैं, वो जारी अधिसूचना को पढ़कर ही आवेदन करें। उम्मीदवार आवेदन के लिए 17 फरवरी से 8 मार्च 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क श्रेणी अनुसार निश्चित किया गया है, वहीं ऑनलाइन माध्यम से भुगतान करना है। अमेरिका ने एक बार फिर से भारत की ताकत पर भरोसा जताया है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि भारत को यानी कि चतुष्पक्षीय सुरक्षा संवाद को आगे बढ़ाने वाली ताकत और क्षेत्रीय विकास का इंजन है। उसने मेलबर्न में क्वाड समूह के सदस्य देश के विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद ये बातें कही हैं। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया क्वाड के सदस्य देश हैं। यूक्रेन को लेकर चल रहे तनाव के बीच भारतीय नागरिकों के लिए कीव स्थित भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी जारी की है। यूक्रेन छोड़ने की सलाह दी है। समाचार एजेंसी ANI के अनुसार वर्तमान स्थिति की अनिश्चितताओं को देखते हुए दूतावास ने भारतीय खासकर उन छात्रों को जिनका वहां रहना आवश्यक नहीं है उन्हें यूक्रेन छोड़ने की मंगलवार को सलाह दी है। भारतीय रेलवे में विभिन्न श्रेणियों के तहत 2.65 लाख से अधिक रिक्ति है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा में इसकी जानकारी दी। अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा में कहा है कि भारतीय रेलवे में विभिन्न श्रेणियों के तहत 2.65 लाख से अधिक गैजेटेड और नॉन गैजेटेड पद कई वर्षों से खाली है। रेल मंत्री ने कहा है कि ऐसे में बढ़ती बेरोजगारी के बीच रेलवे को भर्ती प्रक्रिया तेज करनी होगी। रेलवे में नौकरी करने का ख्वाब देख रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। रेलवे ने इन दिनों बंपर नौकरियां निकाल रखी हैं। रेलवे के अंतर्गत अप्रेंटिस पद के लिए 3,000 से ज्यादा भर्तियां होनी हैं। जो कैंडिडेट सेंट्रल रेलवे के अप्रेंटिस पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उन्हें आधिकारिक वेबसाइट RRCCR.com पर जाना होगा।
मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म्स और दुनिया भर में उपग्रह आधारित कनेक्टिविटी देने वाली कंपनी SES ने सोमवार को जियो स्पेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड नाम से एक संयुक्त उद्यम के गठन का ऐलान किया है। ये नया ज्वाइंट वेंचर देश भर में सैटेलाइट बेस्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर किफायती ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रदान करेगा। जियो प्लेटफॉर्म्स और SES के पास संयुक्त उद्यम में क्रमशः 51% और 49% इक्विटी हिस्सेदारी है। संयुक्त उद्यम मल्टी ऑर्बिट स्पेस नेटवर्क का उपयोग करेगा। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है नुनु कुमार, रघुनाथ प्रसाद, ललन मोटिव, मिथिलेश कुमार पासवान, साइमा परवीन, डेंजर गेमर, विवेक राज गुड्डू, संजय कुमार, विनोद कुमार, प्रिया यादव, जितेंद्र ठाकुर, राहुल कुमार, संजना श्री, ललित कुमार, आशीष कुमार। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, क्या आप अपने बच्चों को वैक्सीनेशन लगवा रहे हैं या नहीं? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।